नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके सिर पर है यह एक देवी का हाथ, आखिर क्यों है? यह सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस देवी के आशीर्वाद से आज शाम से आप सभी के जीवनकाल में जो बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है दोस्तों, इनसे आप सभी का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए भगवान का दिया कोई वरदान से कम नहीं है, इसलिए आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खुशखबरी आपको आज शाम से मिलने वाली है, उनमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों, इस देवी का आशीर्वाद आपके सिर पर है तो यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए जिनसे आप सभी का भाग्य पुनः चमकता जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दी, और अब जो इनके आशीर्वाद से आप सभी के जीवनकाल में जो परिवर्तन, जो बदलाव आने वाले हैं दोस्तों, वाकई ही आप सभी के लिए वरदान से कम नहीं होंगे। ये दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले समय में, अब आप सभी के जीवनकाल में यह देवी के आशीर्वाद से कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे, कुछ ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जिनसे दोस्तों आपका जीवन अचानक से परिवर्तन होते हुए आप देख पाएंगे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यह देवी आप शुभ के जीवनकाल में कुछ ऐसे बड़े शुभियों का निर्माण करेगा, कुछ ऐसे नए मौके आपके सामने दिलाने वाले हैं जिसे दोस्तों आप दिन दुगनी रात चौगनी के रास्ते पर चलने वाले होंगे। जय दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम अपने जीवनकाल में जो भी कार्य करते हैं वह हमारे भाग्य में लिखा जाता है। जब दोस्तों हम अच्छे कार्य करते हैं तो दोस्तों वह कर्म जो है हमारे भाग में लिखा जाता है, अगर हम बुरे कार्य करते हैं तो दोस्तों वह भी हमारे कर्मों में लिखा जाता है। जी दोस्तों, और यश में अगर यह देवी का हाथ आपके सिर पर है तो दोस्तों इनका तात्पर्य यही है कि आपके पिछले समय के जो भी अच्छे कर्म हैं उनका फल यश में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों यह देवी का हाथ आपके सिर पर है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस देवी के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवनकाल में जो घटनाएं होंगी वह वाकई ही अकल्पनीय होंगी, जिन्हें आप कभी सपने में सोच नहीं सकते थे वैसी घटनाएं होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में सभी के बारे में विस्तार से बात करके, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप माँ काली को जानते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ काली जरूर लिखते हैं। माँ काली आपके और आपके परिवारों को संकटों से हमेशा मुक्त रखेंगी। ये दोस्तों, अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आए दोस्तों, बात करते हैं कि यह देवी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवनकाल में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, और साथ ही आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, आपके घर के माहौल में, परिजन में क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो में बताई जाने वाली हर एक छोटी सी सावधानी आप सभी के लिए, आप सभी के आने वाले कार्यों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होंगे। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जब इस देवी का हाथ आपके सर पर है तो दोस्तों वर्ष में आप कोई भी गलती ना करें ताकि आपके कार्य में विघ्न बाधाएं आए। जय दोस्तों, यह देवी आप सभी के जीवनकाल में बड़े बड़े सुविधाएं आपको देने वाले हैं, बड़े बड़े कार्यों को आपको देने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आपको अचंभित उपलब्धियों की प्राप्ति होगी, आश्चर्यजनक आपको मौके मिलेंगे। जय दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में आपके आत्मविश्वास की सक्षम आपके प्रतिद्वंदी प्रास्त रहेंगे, बच्चों को प्रतियोगिता संबंधी कार्य में भी अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों किसी राजनीतिक गतिविधि से जुड़े व्यक्ति की मदद आपके लिए इसमें फायदेमंद साबित होने वाले है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों आलस व फिर सुस्ती हावी होने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि दोस्तों इनकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी अत्यंत ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनकी समस्या यश में बढ़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपके मूड में आ रहे बदलाव की वजह से आपको छोटी तकलीफ से भी बड़ी नजर आ रही है। दोस्तों नकारात्मक विचार अधिक रहने की वजह से आप खुद को और दूसरों को भी तकलीफ दे रहे हैं। पैसे संबंधित चिंता आपकी गलती की वजह से बढ़ेगी, किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी आपके बर्ताव के कारण हो सकती है, तो दोस्तों इस बात का भी यश में ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए शुभ होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में ग्रह स्थिति काफी संतोषजनक है, जो लोग आपके खिलाफ थे या समय वही आपके पक्ष में आएंगे और संबंधों में भी काफी हद तक सुधार होगा।
इसमें सभी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते जाएंगे। इसके उपरांत ही दोस्तों अगर किसी के साथ कोई जो है वायदा किया है तो दोस्तों यश में उसे अवश्य पूरा करें, नहीं तो दोस्तों समाज में आपकी छवि बिगड़ सकती है। कुछ लाभदायक मौके भी यश में आपके हाथ से निकलने की आशंका लग रही है। दिखावे की प्रवृत्ति से यश में आप दूर रहें, ये आपके लिए और आपके दिनचर्या के लिए यश में बेहतर रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जीवन संबंधी सभी बातों में यश में आपको संतुलन महसूस हो सकता है। दोस्तों यश में आपका सकारात्मक तरीके से आप जो भी वक्त बिताएंगे, भले ही यश में आप बड़ी प्रगति ना देख पाए, फिर भी दोस्तों मन जो है आपका यश में आनंदित रहने वाला है। दोस्तों किसी व्यक्ति या फिर मित्र की अचानक से मुलाकात होना आपको यश में आनंद दिला सकता है। इसके उपरांत ही दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कुछ समय बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के बीच भी अवश्य व्यतीत करें। दोस्तों उनके अनुभवों को आत्मसात करना आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत भी करा सकते हैं। दोस्तों यश में बसों की तरफ से भी संतोषजनक समाचार मिल सकते हैं, जिनसे आपका मन भी यश में प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में हल्की बल्कि जो है परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों इनके बावजूद आप जो है अधूरे काम को यश में संपन्न कर पाएंगे। सिर्फ दोस्तों तनाव को जो है आपको अपने ऊपर हावी न होने देना है। और दोस्तों पारिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग भी यश में आपको चिंता मुक्त रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि खुद के द्वारा लिए गए निर्णय को दूसरों को बता पाना या फिर दूसरों के द्वारा हो रही तकलीफ के योग मार्ग से प्रकट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों जिसकी वजह से जो है मानसिक तनाव बना रहेगा। दोस्तों किस व्यक्ति पर आपको विश्वास रखना चाहिए यह तय करना यश में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए दोस्तों यश में आप हो सके तो किसी पर ही विश्वास ना करें, खुद पर ही विश्वास करके अपने कार्यों पर जो है कार्य करें। आपको बता दें कि दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए जो समय होंगे उत्तम समय होंगे। दोस्तों किसी महत्वपूर्ण यात्रा संबंधी इनके योग भी बन रहे हैं, परंतु दोस्तों यात्रा करते समय सुरक्षा का भी आपको ध्यान रखना अति आवश्यक होंगे। दोस्तों किसी बच्चे की प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में भी सफलता मिलने से घर का जो माहौल होगा खुशी भरा माहौल रहने वाले हैं। ध्यान रखें दोस्तों यश में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आपके घर में सुख शांति भी भंग हो सकती है, इसलिए दोस्तों घर के सदस्य जो है आपस में ही मिलजुल कर घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों पड़ोसियों के साथ किसी मतभेद से बचने के लिए जो है औपचारिक व्यवहार रखना आपके लिए यशमय ठीक रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अविवाहित लोगों के लिए यश में कुछ खास समय रह सकते हैं। विवाह के बारे में जो भी लिए गए प्रयत्न हैं आपको अचानक ही यश की प्राप्ति होगी। यदि आप जो है रिलेशनशिप में हैं तो दोस्तों आपके रिलेशनशिप परिवार द्वारा मंजूरी मिलने की वजह से आपको यश में आनंद की प्राप्ति होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके करियर की अगर बात करें तो दोस्तों यश में जो है महिलाओं की वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय में फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर या फिर डील होने की संभावना यश में बन रही है। पेमेंट संबंधी लेन देन करते समय सावधानी बरतें। यश में आपको जो है अपने व्यवसाय की एडवर्टाइजमेंट करने से फायदे भी हो सकते हैं। दोस्तों हो सके तो इन पर भी अगर आपका बजट है तो इन पर भी आप ध्यान यश में दे सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यश में आपकी आर्थिक स्थिति जो है सामान्य ही रहेगी। अचानक ही कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाने से आपको जो है व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ रुकावटें भी आएंगी। यश में दोस्तों कर्ज लेने की स्थिति भी बन रही है। दोस्तों यश में आपके लिए समझेंगे, परंतु आप अपनी क्षमता के अनुसार पैसे उधार लेना आपके लिए उचित रहेगा। तो दोस्तों आप जितना हो सके उतना ही पैसे को उधार लें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, वर्तमान समय की वजह से अपने काम करने की प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। दोस्तों अपने संपर्क सूत्र तथा मार्केटिंग संबंधी कार्यों को मजबूत करने में ज़्यादा ऊर्जा लगाएं। यश में किसी भी नए काम में रिस्क ना लें, ये आपके यश में व्यवसाय के लिए बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि किसी बड़ी कंपनी के साथ व्यवसायिक रूप से जुड़ने की जो नीति है यश में कामयाब रहेगी और सफलता भी यश में आपको प्राप्त होगी। दोस्तों अपना टारगेट पूरा करने से आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों में अगर आपकी लव लाइफ की अगर बात करें तो दोस्तों जीवन साथी का सहयोग आपके भाग्य को और अधिक मजबूत बनाएगा।
दोस्तों इसमें परंतु इसमें आपको भी अपने स्वभाव में और अधिक सकारात्मकता लाने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इन पर भी आप ध्यान दें, ये आपके लिए आवश्यक होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक वातावरण इसमें सुखद रहेगा। बच्चों की तरफ से कोई संतोषजनक स्थिति रहने से आपको सुकून की भी प्राप्ति होगी। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि इसमें पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और दोस्तों इसमें पुराने दोस्तों से ज़्यादा मेल मिलाप रखना आपके लिए आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों इसलिए इनसे आपको सावधान रहने की इसमें ज़रूरत होगी। और इसके उपरांत आपके लव लाइफ के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि प्रेम प्रसंगों में इसमें नज़दीकियाँ भी आने वाली है, परंतु विवाहेतर संबंधों से इसमें दूर रहें, अन्यथा आपकी ही मान हानि हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों थकान की वजह से इसमें सर्वाइकल या फिर कंधों में बदन में आपका दर्द हो सकता है, इसकी स्थिति बन रही है। पौष्टिक खान पान या फिर उचित आराम लेना आपके लिए इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगी। तो दोस्तों काम के साथ साथ जो है आप आराम भी जरूर करें। इसके उपरांत इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, तो आपको बता दें कि त्वचा से संबंधित कोई एलर्जी की समस्या जो है जिसको है वह समस्या इसमें बढ़ सकती है। दोस्तों ठंड भरे वातावरण से अपना बचाव करें, ये आपके लिए इसमें स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहने वाले हैं। दोस्तों विषय के साथ बात करते हैं कि यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए जिनसे आप शिविर के जुनकाल में कभी भी ईश्वर का आशीर्वाद खत्म ना हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब भी व्यक्ति के ऊपर किसी देवी शक्ति का प्रभाव होता है तो वह व्यक्ति का कर्म बिल्कुल ही निश्चल होता है और व्यक्ति हमेशा सर्वगुण संपन्न रहने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ऐसे में अगर आपको अपने जुनकाल में कोई ऐसी चीज़ लग रही है जिसे कोई आप गलत कार्य कर रहे हैं, किसी चीज़ का आपको आदत हो गया है, तो दोस्तों ऐसी चीज़ों को छोड़ देना आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों यश में आपको कोई ऐसी बुरी आदत है आपके साथ जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो यश में आपको कुछ हम उपाय बताने वाले हैं, इन्हें आप जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इन्हें कर लेंगे तो ये जो देवी शक्तियाँ आपके समक्ष रहती है, जो आपके ऊपर हमेशा अपना हाथ रखती है, इनका आशीर्वाद आपके ऊपर से कभी भी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों कौन सा आपको उपाय करना चाहिए? दोस्तों आप सभी को बता दें कि यदि आप कोई नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो अगर आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं या फिर आप जुआ भी खेलते हैं, सट्टा करते हैं, इन सभी से आपको छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यशमी देवी माँ की कृपा आप सभी के समक्ष है और कर्म के देवता भगवान शनिदेव आप सभी के कर्मों का फल आप सभी को देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको कौन से कार्य करना चाहिए? दोस्तों शाम 4:15 बजे तुरंत बाद घर वालों को यह कहकर खाना बना दो कि अभी आता हूँ और सीधा शनि मंदिर जाओ। जेब में 1.25 मीटर काला धागा होना चाहिए। शनि मंदिर के जो भी गेट है उनके बाहर 9 गांठ लगाकर गले में बांध लें जैसे चैन डालते हैं। मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर मन ही मन कर्म के देवता भगवान शनिदेव से आप प्रार्थना मांगें कि हे शनिदेव, मैं इनसे दुखी हूँ। जो भी हमारे जुनकाल में चुबा सट्टा नशा कोई भी आदत आपको लगी है उनके बारे में आप वहाँ पर बखान कीजिएगा और आप उनसे यह आपको बात कहने की इनसे हमारा पीछा छुड़ा दीजिए प्रभु, सीधा घर आ जाना है और बीच में कहीं भी आपको रुकना नहीं है। 6 बजे से पहले आपको खाना खा लेना है, सारे परहेज जरूरी है और दोस्तों इनसे आप शिवी का पूरा जीवन बदल जाएगा और हमेशा ईश्वर की देवी शक्तियाँ आप शिवी के साथ रहेंगी, कोई भी कार्यों में आपको असफलताएँ हाथ नहीं लगेंगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप शिवी का धन्यवाद। आप शिवी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।